नमस्कार सभी को, मैं मत्तु केवट। इस वीडियो के माध्यम से देखिए, कक्षा छठी में पाठ क्रमांक पहला है भूगोल में, पहला पाठ है पृथ्वी और रेखा जाल। तो पृथ्वी और रेखा जाल के स्वाध्याय के प्रश्नों के उत्तर आप देखेंगे पाठ का। तो परिचय आपको करा दिया गया है कि पृथ्वी और पृथ्वी पर रेखा जाल किस तरह से, अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं, विषुवत रेखाएं किस तरह से है। तो आइए हम इस वीडियो के माध्यम से संक्षिप्त में दिए गए जो स्वाध्याय के प्रश्न उत्तर हैं उनका यहाँ लेखन किया गया है और किस तरह से इसका वाचन मैं आपको इस तरह से भी इस वीडियो के माध्यम से करके सुनाने वाला हूँ। तो आइए हम देखते हैं स्वाध्याय के प्रश्न के उत्तरों को। सही विकल्प के सामने की चौखट में सही का चिन्ह लगाना है। तो प्रश्न है, देखिए, पहला, पृथ्वी पर पूर्व पश्चिम दिशा में बनाई गई काल्पनिक आड़ी रेखाओं को क्या कहते हैं। तो प्रश्न है कि पृथ्वी पर पूर्व पश्चिम दिशा में बनाई गई काल्पनिक आड़ी रेखाओं को क्या कहते हैं, और इसमें तीन विकल्प हैं बच्चों। तो पहला विकल्प है, देखिए, देशांतर रेखा कहते हैं। इसमें यदि देशांतर रेखा होगा तो इसमें सही का निशान लगाना होगा। दूसरा है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। और तीसरा विकल्प है इसमें अक्षांश रेखा। तो आपको जानकारी है कि पृथ्वी पर पूर्व पश्चिम दिशा में बनाई गई जो काल्पनिक रेखा है उसको जो है अक्षांश रेखा कहते हैं। तो अक्षांश रेखा वाले कॉलम में इस तरह से सही का निशान लगाना है, यही आपको स्वाध्याय में करना है। और याद रखना है कि पूर्व पश्चिम में जो आड़ी रेखा है, आड़ी रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं। दूसरा प्रश्न देखिए, देशांतर रेखाएं कैसी होती हैं। देशांतर रेखाएं कैसी होती हैं, इसमें तीन विकल्प है। देखिए, पहला है वृत्ताकार, दूसरा है अर्धवृत्ताकार, तीसरा है बिंदु स्वरूप। तो वृत्ताकार या अर्धवृत्ताकार में जो देशांतर रेखाएं जो हैं अर्धवृत्ताकार होती हैं, यह उत्तर ये सही है, इस पर सही का निशान हमें लगा देना है। अब तीसरा पर्याय हम देखते हैं कि तीसरा पर्याय कौन सा है और उसके प्रश्न, तीसरा प्रश्न कौन सा है और उसके उत्तर कौन से हैं। तो तीसरा पर्याय देखिए, अक्षांश रेखाओं और देशांतर रेखाओं को मिलाकर भूगोलक पर क्या तैयार होता है। प्रश्न है, अक्षांश रेखाओं और देशांतर रेखाओं को मिलाकर भूगोलक पर क्या तैयार होता है। पहला इसमें पर्याय है, देखिए, कोणीय दूरी, गोलार्ध, रेखा जाल। तो आपको जानकारी है कि अक्षांश और देशांतर रेखाओं को मिलाकर भूगोलक पर रेखा जाल तैयार होता है। तो इस तीसरे ऑप्शन में, रेखा जाल में, आपको इस तरह से सही का निशान लगाना है। अब चौथा प्रश्न देखते हैं। तो चौथा प्रश्न है, देखिए बच्चों, उत्तरी गोलार्ध में कुल कितनी अक्षांश रेखाएं हैं। प्रश्न है, उत्तरी गोलार्ध में कुल कितनी अक्षांश रेखाएं हैं। तो पहला इसमें पर्याय है 90 है, 89 है, 91 है। तो आपको जानकारी है कि उत्तरी गोलार्ध में अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है, 90 है। तो इस 90 वाले कॉलम में इस तरह से सही का निशान लगाना रहेगा हमें। इसी पर्याय वाले ही प्रश्न में हम प्रश्न पांचवा देखते हैं बच्चों। प्रश्न पांचवा है, किन रेखाओं के कारण पूर्वी गोलार्ध तथा पश्चिमी गोलार्ध में तैयार होते हैं। किन रेखाओं के कारण पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध तैयार होते हैं। तो पहला इसमें पर्याय है, जीरो अंश प्रमुख अक्षांश रेखा और 180 अंश देशांतर रेखा। दूसरा पर्याय है, देखिए, जीरो अंश प्रमुख देशांतर रेखा और 180 अंश देशांतर रेखा। और तीसरा पर्याय है, उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव। तो इसमें जो है सही उत्तर होगा कि जीरो अंश प्रमुख देशांतर रेखा और 180 अंश देशांतर रेखा के कारण जो है इसमें हम गोले में सही का निशान लगाएंगे और जीरो अंश
प्रमुख देशांतर रेखा और 180 देशांतर रेखा के कारण पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध तैयार होता है। और इसी के अंतर्गत हम छठा प्रश्न देखते हैं बच्चों की कौन सा है और इसमें क्या पर्याय है। प्रश्न है देखिए, निम्न में से भूगोलक पर बिंदु स्वरूप में कौन सा वृत्त है। प्रश्न है निम्न में से भूगोलक पर बिंदु स्वरूप में कौन सा वृत्त है। तो पहला पर्याय है इसमें विषुवत रेखा, दूसरा है उत्तरी ध्रुव और तीसरा है प्रमुख देशांतर रेखा। तो इसमें बच्चों भूगोलक पर बिंदु स्वरूप में उत्तरी ध्रुव जो है ये दूसरा पर्याय सही है। इसको हम इस तरह से सही का निशान लगाएंगे। अब हम चलते हैं सातवें प्रश्न की ओर। भूगोलक पर 45 अंश उत्तर अक्षांश कितने स्थानों का मूल्य हो सकता है। प्रश्न है देखिए, भूगोलक पर 45 अंश उत्तर अक्षांश कितने स्थानों का मूल्य हो सकता है। तो पर्याय है देखिए, पहला एक है, दूसरा कई हैं और तीसरा दो है। तो इसका उत्तर होगा बच्चों कई हो सकते हैं, एक और दो, यह ऑप्शन गलत है। और भूगोलक पर 45 अंश उत्तर अक्षांश में कई स्थानों का मूल्य हो सकता है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, हमें क्या करना है। पृथ्वी का गोल अर्थात भूगोलक का निरीक्षण करो और निम्न कथनों की जांच करो कि अयोग्य कथन में सुधार करना, अर्थात हमें क्या करना है, इसमें सही गलत देखना है, जो गलत है उसको सुधार करके सही लिखना है। तो पहला प्रश्न है इसमें बच्चों देखिए, प्रमुख देशांतर रेखा अक्षांश रेखाओं के समानांतर होती है। इसका उत्तर होगा यह गलत है, अयोग्य है। और इसका सही उत्तर देखिए क्या होगा, प्रमुख देशांतर रेखा अक्षांश रेखाओं के समानांतर नहीं होती। इस तरह से इसको लिखना है, यहाँ नहीं लिख देना है। दूसरा प्रश्न हम देखते हैं, सभी अक्षांश रेखाएं विषुवत रेखा के समीप एक साथ होती हैं। उत्तर है गलत, अयोग्य है। सही उत्तर क्या होगा देखिए, सभी अक्षांश रेखाएं किसी भी अक्षांश रेखा के समीप एक साथ नहीं होती। प्रश्न तीसरा हम देखते हैं, अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं काल्पनिक रेखाएं हैं। यह उत्तर सही है, अर्थात योग्य उत्तर है कि अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं यह काल्पनिक रेखाएं हो, यह योग्य उत्तर है, सही उत्तर है। चौथा प्रश्न देखते हैं, चौथा प्रश्न देखिए, 8465 उत्तर देशांतर रेखा है। इसका देखिए उत्तर है, ये देशांतर रेखा ना होकर के ये अक्षांश रेखा है, यह अयोग्य है। और पांचवा देखते हैं, देशांतर रेखाएं एक दूसरे के समानांतर होती हैं। यह भी प्रश्न का उत्तर अयोग्य है, देशांतर रेखाएं एक दूसरे के समानांतर नहीं होती हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं बच्चों, अगला प्रश्न है निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न का उत्तर एक वाक्य में लिखो। तो पहला प्रश्न है इसमें देखिए, भूगोलक किसे कहते हैं। उत्तर है देखिए इसका, पृथ्वी की छोटे आकार की प्रतिकृति को भूगोलक कहते हैं। पृथ्वी की छोटे आकार की प्रतिकृति को भूगोलक कहते हैं। और प्रश्न दूसरा है, अक्षांश रेखाएं किसे कहते हैं। उत्तर देखिए, पृथ्वी के केंद्र से अंशात्मक दूरी की सहायता से तैयार हुए तथा पूर्व पश्चिम दिशा में स्थित काल्पनिक वृत्तों को अक्षांश रेखाएं कहते हैं। हमें याद रखना है कि पूर्व पश्चिम दिशा में स्थित काल्पनिक वृत्तों को अक्षांश रेखाएं कहते हैं। अगला प्रश्न है, चौथा प्रश्न है, रेखा जाल के उपयोग लिखो। तो उत्तर है देखिए, पृथ्वी के किसी स्थान की स्थिति निर्धारित करने के लिए
रेखा जाल का उपयोग किया जाता है। चौथा प्रश्न है बच्चों, उत्तरी ध्रुव के अक्षांश और रेखांश कैसे बताओगे? ये हमें भूगोल पर बताना रहता है। तो प्रश्न है कि उत्तरी ध्रुव के अक्षांश और रेखांश को कैसे बताओगे? तो उत्तर देखिए, उत्तरी ध्रुव का अक्षांश 90 अंश उत्तर और रेखांश का कोई एक निश्चित मूल्य नहीं है, क्योंकि उत्तरी ध्रुव सभी देशांतर रेखाओं का संगम बिंदु है। पांचवा प्रश्न देखते हैं, कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच की अंशात्मक दूरी कितनी होती है? कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच की अंशात्मक दूरी कितनी होती है? तो उत्तर है बच्चों देखिए, कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच की अंशात्मक दूरी जो है 47 अंश होती है, 47 अंश होती है। छठा प्रश्न हम देखते हैं, छठा प्रश्न है और उसका उत्तर यहाँ लिखा गया है। प्रश्न है, जिस देश में से विषुवत रेखा गुजरती है उन देशों के नाम भूगोलक के आधार पर लिखो, अर्थात प्रतिकृति पर लिखना है उन देशों का नाम जहाँ से विषुवत रेखा गुजरती है। उत्तर है देखिए, जिन देशों में से विषुवत रेखा गुजरती है ऐसे कुछ देशों के नाम देखिए, जैसे कोलंबिया, ब्राज़ील, इंडोनेशिया, केनिया, सोमालिया इत्यादि, और अर्थात और बहुत से देश हैं। तो जिस देश में विषुवत रेखा जो है कोलंबिया, ब्राज़ील, इंडोनेशिया, केनिया, सोमालिया इत्यादि देशों से होकर के गुजरती है। प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। अगले प्रश्न में एक तालिका दी गई है, वो आपको पूर्ण करना है। तालिका में देखिए, पहला लिखा गया है विशेषताएं हैं, अक्षांश रेखाएं हैं, देशांतर रेखाएं हैं। तो विशेषताओं में पहला आकार के बारे में पता करना, फिर माप और दूरी है, और तीसरा दिशा संबंध है। तो सबसे पहले हम आकार के बारे में देखते हैं कि अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा में आकार से संबंध में किस तरह से अंतर है। तो आइए हम देखते हैं कि अक्षांश रेखा और देशांतर रेखाओं का क्या आकार है और कैसे दोनों का आकार है। अक्षांश रेखाएं वृत्ताकार होती हैं, अक्षांश रेखाएं जो हैं यह वृत्ताकार होती हैं, देशांतर रेखाएं जो हैं अर्धवृत्ताकार होती हैं। तो ये आकार का पहला देखिए पहचान है कि अक्षांश रेखाएं वृत्ताकार होती हैं और देशांतर रेखाएं अर्धवृत्ताकार होती हैं। अक्षांश रेखाएं पृथ्वी पर स्थित मानी गई काल्पनिक वृत्ताकार रेखाएं हैं, और आकार इनका देखिए देशांतर का, देशांतर रेखाएं पृथ्वी पर स्थित मानी गई काल्पनिक अर्धवृत्ताकार रेखाएं हैं। अक्षांश रेखाएं बच्चों ये वृत्ताकार हैं, काल्पनिक हैं, और देशांतर रेखाएं जो हैं अर्धवृत्ताकार हैं, ये हमें याद रखना है। अब हम चलते हैं माप और दूरी के बारे में, दोनों का अंतर देखते हैं कि दोनों में क्या अंतर है, अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा में किस तरह से दूरी का। प्रत्येक अक्षांश रेखा की माप भिन्न भिन्न होती है, प्रत्येक अक्षांश रेखा की माप जो है भिन्न भिन्न होती है, और देखिए प्रत्येक देशांतर रेखा की माप समान होती है। तो अक्षांश रेखा का जो माप है भिन्न भिन्न होता है और देशांतर रेखा का माप जो है यह समान होता है। और अगला मुद्दा है, हम दिशा के संबंध में जानकारी प्राप्त करेंगे, अक्षांश रेखा और देशांतर रेखाओं की दिशाओं के संबंध किस तरह से हैं, अंतर हैं। तो समीप की दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी सभी स्थानों पर समान होती है, अर्थात सभी अक्षांश रेखाएं एक दूसरे की समानांतर होती हैं। और देशांतर रेखाओं में क्या अंतर है? समीप की दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी विषुवत रेखा पर सबसे अधिक होती है, और दोनों ध्रुवों की ओर यह दूरी कम होती जाती है। यह हमें याद रखना है दिशा और दूरी के संबंध में कि अक्षांश रेखाओं की दूरी जो है एक दूसरे के समानांतर होती है, और
विश्व देशांतर रेखाओं में देखिए, समूह की दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी विषुवत रेखा पर सबसे अधिक होती है और दोनों ध्रुवों की ओर यह दूरी कम होती जाती है। तो इस तरह से आप इस वीडियो के माध्यम से पाठ क्रमांक पहला जो है इसका क्या करिए, पृथ्वी और रेखा जाल, पृथ्वी और रेखा जाल से संबंधित दिए गए प्रश्नों के क्या करिए, आप इस स्वाध्याय के प्रश्नों के उत्तर का वाचन करिए, लेखन करिए, श्रवण करिए और मेरे आगे आने वाले वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद सभी को।